बारिश के मौसम में बारिश नहीं देखी तो क्या देखा। बस चलिए बारिश का नज़ारा देखते हैं, कैसे बच्चे खुश हो रहे हैं। इस तरह आपका में दिल कभी कर जाए कूदने को तो चूकिएगा मत, बिल्कुल कूद के देख लेना कि कैसा लगता है बारिश में कूदना। और जब मन करे पकोड़े खाने का तो कुछ नहीं, कढ़ाई ऊपर रखिए, उस तरह कढ़ाई में पकोड़े डालिए और बस उनको दाएं हिलाइए बाएं हिलाइए आगे पीछे। इस वीडियो को इतने ध्यान से देख के एरर निकालने की जरूरत नहीं कि कोई पकोड़ा छोटा है कोई बड़ा, अरे अरे वो काला हो गया, अरे 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 वो गोरा हो गया, उसको पलटाओ पलटाओ पलटाओ, ये सब करने की जगह अरे आप भी फटाफट जाओ और कढ़ाई ऊपर रखो और मज़े से पकौड़ों का इंजॉय करो। बारिशों के दिन चल रहे हैं, बारिश में पकौड़े नहीं खाए तो क्या खाया भाई, ये तो बनता है। तो इस तरह बारिशों के दिन चल रहे हैं, कुछ तला गला खाने का मन कर रहा है तो बिल्कुल खाइए, समोसे खाइए पकौड़े खाइए कचौरी खाइए। और इतने सारे फेस्टिवल आए हैं, तो अभी तीज गया, अब रक्षाबंधन आएगा, तो इस तरह से कई फेस्टिवल हमारे इंडिया में तो हर सीज़न पे फेस्टिवल है, तो हम फेस्टिवल ही सीज़न के हिसाब से मनाते हैं, तो इसीलिए होते हैं वो फेस्टिवल। क्यों आते हैं? खाने पीने के लिए। और अब वह फेस्टिवल वाले दिन पकोड़े खाने की जगह देखो बारिश हो रही है, आपने पकोड़े नहीं खाए और ऑनलाइन ऑर्डर करके जोमेटो से या किसी और साइट से अगर वो मंगवा भी लिया कुछ कुछ खाने को, तो उसका फ़ायदा क्या है? अरे खुद कढ़ाई रखिए और इस तरह से पकोड़े तलिए जैसे हम तल रहे हैं, फिर देखिए नज़ारा। और ऐसे बारिश छमाछम गिर रही है और पकोड़े लेके बैठे हैं, वाह 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 वाह। चटनी नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, अरे नींबू निचोड़ के खा रहे हैं उसके ऊपर और क्या लबालब स्वाद आ रहा है, वाह वाह। तो इस तरह से तो कुछ लाइफ एंजॉय